उन्नाव की बेटी की कार का एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी साजिश के तहत ट्रक से उसे कुचलवाया गया, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम रायबरेली पहुंची। जिस जगह हादसा हुआ था वहां मुआयना किया। सीबीआई अब इस मामले की तह तक जाएगी और पता लगाएगी कि रायबरेली में उन्नाव की रेप पीड़िता की कार से टक्कर एक्सीडेंट था या साजिश। अगर ये साजिश थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? रायबरेली एक्सीडेंट में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की भूमिका क्या है? सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। जिस विधायक को इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी बीजेपी बर्खास्त नहीं कर पाई, जिस विधायक को गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस थर थर कांप रही थी, उस विधायक के पापों का बही खाता अब सीबीआई खंगालेगी। इस मामले में यूपी की सियासत से जुड़े कई बड़े चेहरे फंस रहे हैं। इसमें एक चेहरा यूपी सरकार में मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के दामाद का भी है। सीबीआई की एफआईआर में योगी सरकार में मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के दामाद अरुण सिंह का भी नाम है। अरुण सिंह उन्नाव में बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख है। अरुण सिंह बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का खासम खास रहा है। आरोप लगा रहा तो सीबीआई जांच कर रही है ना, तो सीबीआई जो जांच करेगी वो खुद ही सत्ता आ जाएगा। नहीं बिल्कुल, रिश्तेदार तो है ही हमारे, उसमें क्या दिक्कत है? रिश्तेदार होना अपराध थोड़े है। सीबीआई इस मामले की फाइलें खोल रही है तो सियासत भी अपनी राह पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। बाहर निकले तो यूपी सरकार पर बरस पड़े। लगातार उस परिवार को धमकी मिली और धमकी ऐसी दी गई और उसका परिणाम आप देखिए किस रूप में क्या हुआ उस परिवार के साथ। एक्सीडेंट हो गया और कितने परिवार के सदस्यों की जान चली गई, ऐसा कहाँ हुआ होगा। इसलिए वो परिवार न्याय चाहता है और हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी। अब इतने दिन हो गए ना तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लड़की से मिलने गए हैं, वो तड़प तड़प के मर रही है, फिर भी उनको इतना समय नहीं मिला कि वो लड़की से मिलकर आए और ना ही उन्होंने अभी तक कोई मुआवजा अनाउंस करा है, जबकि पूरी की पूरी यूपी सरकार और केंद्र सरकार एक तरीके से कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हुए आज भी नजर आ रही है, क्योंकि कुलदीप सेंगर आज भी विधायक है, कुलदीप सेंगर आज भी भाजपा के मेंबर है। तो ये क्या चल रहा है? मैंने आनंदीबेन पटेल से रिक्वेस्ट करी है कि वो भी एक महिला है और कम से कम महिला का दर्द समझे और तुरंत इस केस में एक्शन ले। बलात्कार की शिकार उन्नाव की बेटी ने पिछले एक साल में पुलिस को 35 चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आईजी ने एसपी उन्नाव से इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। मैं ये देखने आया था कि सुरक्षा में कोई दूसरा जो एसपी साहब जांच कर रहे हैं कितने सुरक्षा कर्मी लगे थे नहीं लगे थे, उस संबंध में मैं पूछने आया था कि परिस्थितियों में वो लोग नहीं गए तो ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हैं वो एसपी साहब को बताया गया है, सभी को निकाल के उसको क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत। उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई के साथ पुलिस भी हरकत में आई है। सिस्टम में खामियां तलाशी जा रही हैं, बड़े चेहरों को नापने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तब जब रेप पीड़िता जिंदगी की जंग लड़ रही है उसकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।